आपको अपडेट करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इस्लामाबाद और एबटाबाद में कायम सरकारी रिहायशगाह के कमरों के किरायों में इजाफा कर दिया है। मजीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे आज न्यूज़ के नुमाइंदे काशान अवान से। जी काशान बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें ऐसे ये खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने एबटाबाद और इस्लामाबाद में जो सरकारी रिहायशगाहें हैं उनके किरायों में इजाफा किया है। जो सरकारी मुलाजमीन है सूबाई उनके लिए 2200 रुपए से बढ़ाकर 4400 रुपए किराया कमरे का कर दिया गया है, जबकि वफाकी गुजरा और जो हुकूमती गुजरा है उनके लिए किराया जो है वो 3800 रुपए से बढ़ाकर 5800 रुपए कर दिया गया है। इसी तरह जो मेहमानखाना है शाही मेहमानखाना पेशावर का, उसके भी किरायों में इजाफा किया गया है। तकरीबन ऑल टुगेदर तमाम ही डबल कर दिए गए हैं। महकमे का ये कहना है कि जो माली मुश्किलात हैं उन पर काबू पाने के लिए ये इकदाम उठाया गया है। जी अच्छा काशान, ये बताइएगा माली बहरान की हवाला आप दे रहे हैं जिसकी वजह से ये इजाफा किया गया है, तो इसके नुकसानात के हवाले से अगर आप हमारे नाज़रीन को कुछ बता सकें कि किस किस्म का ये माली बहरान है। माली मुश्किलात तो सूबे को शुरू से ही हैं। देखें चाहे जो भी शोबा हो, सूबाई हुकूमत जब भी बात करती है तो उसका यही कहना होता है कि वफाक की जानिब हमारे जो अखराजात बकायाजात हैं वो उसकी फराहमी मुमकिन नहीं बना रहे, जिसकी वजह से सूबे की माली मसाइल को जो है वो शदीद शिदत इख्तियार करते जा रहे हैं। अगर जामियात को देखें तो तजवीज़ दी गई थी टास्क फोर्स की कमेटी में के जामियात को बंद या मर्ज किया जाए ताकि जामियात के जो मामलात हैं वो चलाए जा सकें, क्योंकि माली मुश्किलात जो हैं वो सूबे को मौजूद हैं अभी भी। बहुत शुक्रिया काशान, आपने अपडेट किया।